वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही होंगे क्या सरप्राइज़ है, लेकिन ये सरप्राइज़ आप लोगों को और पहले पता लग गया था अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हो। अगर अब तक फॉलो नहीं किया तो भाई इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, आईडी इधर आ रही है। और इस वीडियो के एंड में ना एक गिव अवे है, गिव अवे जाके देख लेना, मज़ेदार चीज़ है। आई डोंट थिंक सो ऐसा गिव अवे किसी ने किया है, या किया भी होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये गिव अवे सीधा दिल से निकल रहा है। सो वीडियो के एंड में है गिव अवे, स्किप मत करना, वीडियो को देखना, बहुत मज़ेदार वीडियो है। क्योंकि जब आप ड्रीम्स देखते हो और ड्रीम्स कम्स ट्रू होते हैं तो ना दिल से खुशी होती है, और इस ड्रीम को पूरा करने में बहुत बड़ा हाथ है मेरे भाई का, द नेम हर्ष। RBH व्लॉग्स वाले चैनल है, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन अब फिलहाल वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जाके, आईडी उसकी भी इधर आ रही है। क्योंकि जब आप कुछ सोचते हो, एक शॉर्ट टर्म ड्रीम सोचते हो ना, लाइक मैं नहीं सोचता हूँ कभी कि लॉन्ग टर्म ड्रीम हो, कुछ भी लंबा ड्रीम सोचो कि यार बातें पॉसिबल हो पाए या ना हो पाए। तो मैंने फिलहाल सोचा था एक शॉर्ट टर्म ड्रीम, एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल गाइज विद रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। जी हाँ, एक नई बाइक, नई तो मेरे लिए नहीं बोल सकते हो, यप दिस इज सेकेंड हैंड बाइक, मैंने सेकेंड हैंड परचेज करी है। तो दिस इज रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, ब्लू कलर, कंडीशन परफेक्ट है बाइक की। प्राइस बताऊंगा, प्राइस थंबनेल टाइटल में आपने पढ़ी लिया, लेकिन प्राइस सच में यार ऑनली 20,000, 20,000 किलोमीटर चली हुई, 20,000 पूरी नहीं चली है अभी, 19,960 किलोमीटर ये बाइक चली है, ऑलमोस्ट 20,000 होने वाला है। और हाँ जी हाँ, ये बाइक हमने पड़ी है सिर्फ इन 20,000 रुपीज़। अब ये बाइक की स्टोरी शुरू होती है मुंबई राइड से। जब मैं मुंबई राइड पे था, मेरे साथ और भी दोस्त थे, मेरे साथ में हर्ष भी था। अब हर्ष से मैंने उस टाइम एक बात कही थी, यार एक अपाचे के साथ एक और बाइक ली जाए। एक्चुअली क्या है, घर पे एक पल्सर है, पल्सर 150। अब भैया को एक बाइक कोई ना कोई गिफ्ट करनी थी तो अपनी तरफ से, तो सेविंग करना स्टार्ट की। मुंबई राइड पे काफ़ी पैसा खर्च हुआ, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी सेविंग्स की है, एक एक पैसा बचा के राइड्स में कॉम्प्रोमाइज़ करके जब मौका मिला मैंने उठाई ये बाइक। काफ़ी मन था कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ली जाएगी, बजट काफ़ी महंगा पड़ रहा था, कोई 60,000 की पड़ रही है, कोई 70 की, कोई 1,00,000 की। लेकिन सडनली OLX पे ऐसे चेक करते हुए, जस्ट मैं चेक ही कर रहा था OLX, लाइक फाइंड आउट करते रहते हैं OLX पे क्या मिल रहा है क्या मिल रहा है, OLX पे मेरे को दिखी ये डील थी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की, जो मिली मेरे को OLX पे ओनली 20,000 रुपीज़। बाइक की कंडीशन काफ़ी परफेक्ट है, हाँ कुछ इशूज़ हैं बाइक में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो राइडर्स और कुछ चीज़ आपसे छिपाता नहीं है, बाइक की फ्रंट ब्रेक शू ऑलमोस्ट ख़त्म है, ब्रेक शू चेंज करवाने हैं। उसके अलावा बाइक का इंश्योरेंस है, RC है, पॉल्यूशन है, सारी चीज़ें मिली है, मॉडिफाइड एग्जॉस्ट लगा हुआ है, मतलब आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, जो स्टॉक एग्जॉस्ट आता है वो भी मुझे मिल गया है। बात करूँ पेपर्स की, पेपर्स अभी मेरे हाथ में नहीं आए बाइक के ऊपर आ जाएंगे मेरे हाथ में कल, पेमेंट पूरी हो चुकी है, फिलहाल ये बाइक मेरी ही हो चुकी है, ठीक है। तो आपको आपसे शायद वीडियोस में ये वाली बाइक भी देखने को मिलेगी, अगर बाइक मेरे पास भी रही तो, क्योंकि भैया यूज़ करेंगे। तो अभी तक मेरे पास थी कुछ 5 या 6 बाइक्स, सच में यार याद नहीं रहता, घर ना मेरी सब तो आप लोगों की वर्कशॉप बनी हुई है पूरी। स्टार्ट करते हैं सबसे लोएस्ट से, तो घर में है एक सुजुकी एक्सेस, सो यस आई एम सुजुकी ओनर। उसके बाद आती है एक TVS विक्टर, यस आई एम अ TVS ओनर। उसके बाद आती है एक हीरो होंडा स्प्लेंडर, यस आई एम अ हीरो होंडा ओनर। उसके बाद आती है मेरी बजाज पल्सर 150, यस आई एम अ बजाज ओनर। उसके बाद आती है अपनी अपाचे RTR 200, जो राइडर्स को चैनल पे आप देखते हो, जो मेन हाईलाइट है चैनल की, यस आई एम अगेन अ TVS ओनर। एंड राइट नाउ बहुत ज़्यादा खुशी है, यस आई एम अ रॉयल एनफील्ड ओनर। सो यार सच में आप लोगों को बताऊँ, एक नेक्स्ट लेवल वाली खुशी है बिन ऐसे दिल में। हाँ मैंने भी सोचा है कि राइडर्स को जल्दी अपनी बाइक अपडेट करेगा 400 cc या कोई ना कोई सुपर बाइक सेगमेंट, लेकिन फिलहाल के लिए तो 350 सेगमेंट काफ़ी है। इंजन गरम है, सॉरी हाथ लगा मेरा। एक तो इशू और है बाइक में, लाइक ब्रेकिंग सही करवानी है, सारे काम हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये बाइक में लगेंगे 5,000 रुपये मैक्सिमम विद सर्विस, बट कंडीशन इज़ लाइक बूम, मज़ा आ गया। सो सबसे पहले आप शॉर्ट्स इन्जॉय करो, कुछ छोटे शॉर्ट्स हैं वो इन्जॉय करो इसके, और उसके शॉर्ट्स के बाद आपको देता हूँ एक फ्लाई बाय, बाइक कैसे जाती है और कैसे आती है, फोटो ब्लॉग करते हुए, ठीक है, और उसके बाद करते हैं गिव अवे की बात, ठीक है।
फ्लाई बाय ठीक ठाक लगा हो, शॉर्ट्स भी ठीक ठाक लगे हो। सॉरी फॉर द बैड एडिटिंग, एडिटिंग करनी मेरे को नहीं आती है, उसी वजह से शॉर्ट्स थोड़े खास नहीं बन पाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं मेन हाईलाइट की, इस वीडियो की मेन हाईलाइट की, गिव अवे ऑन राइडर सोल चैनल। क्या गिव अवे है? गिव अवे ये है, इस वीडियो के कमेंट में जो भी बेस्ट कमेंट होंगे, लाइक मतलब पैर ही नहीं रखा जा रहा है तो बैठ जाते हैं हम आगे से बाइक पे, वीडियो के टॉप 5 कमेंट्स आप कमेंट करो। एक मेन चीज़ बताओ, क्यों मैं आपकी वीडियो को प्रमोट करूं? या दिस इज़ अ क्या बोलते हो उसे, शाउट आउट गिव अवे। तो दिस इज शाउट आउट गिव अवे फ्रॉम द चैनल राइडर सोल, फ्रॉम द साइड ऑफ मी। और ये आइडिया था हर्ष का, क्योंकि यार क्योंकि सब बड़ो, अपना हमेशा एक नारा रहता है, सारे बढ़ो आगे मिलके बढ़ो। ये यूट्यूब कम्युनिटी है, दिस इज इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी, और सारे एक साथ मिलके आगे बढ़ो। या मैं 5 लोगों को गिव अवे करूँगा, 5 लोगों को शाउट आउट दूंगा अपने चैनल पे, राइडर सोल चैनल पे। सो एक अच्छा सा कमेंट करो नीचे, और एक वीडियो का लिंक भी डाल दो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे लिंक भेज दो अपनी वीडियो का, मैं वीडियो देखूंगा। अगर मेरे को आपकी वीडियो अच्छी लगी और रीज़न अच्छा लगा क्यों मेरे को आप लोगों को शाउट आउट देना चाहिए, तो टॉप 5 बंदों को मैं शाउट आउट दूंगा। शाउट आउट की डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम की आईडी डाल दी ताकि फॉलो कर लो। सो गाइस, इन द एंडिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और सपने देखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि सपने जब देखोगे वो तभी पूरे होंगे। और मैं कभी भी लॉन्ग टर्म ड्रीम नहीं सोचता हूँ कि यार ये कर लेंगे, मिलियनेयर बन जाएंगे। मैं हमेशा देखता हूँ शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा करो नेक्स्ट स्टेप रखो। सो पहले शॉर्ट टर्म ड्रीम था कभी अपनी अपाचे, फिर आया GoPro, अभी है ये, इसके बाद है DSLR आएगा अपनी YouTube मनी से। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय। एक अच्छा सा कमेंट कर देना, बाय, लव यू ऑल।